मियाँ बीबी दिवाली की शॉपिंग लिस्ट बना रहे थे। बीबी, सबसे पहले हमें क्या लेना है? पति, लिखो कर्जा। दोस्तों, इस दिवाली पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया पटाखे ना छोड़े। अगर पटाखे और फुलझड़ी का नाम सुनते ही आपके दिमाग में लड़कियों का ख्याल जाता है तो मेरे दोस्त बर्बाद हो चुके हो तुम। पति कमरे में बैठा शराब पी रहा था, यह देखकर पत्नी गुस्से से तलमला कर बोली, आपने तो कहा था कि बिना किसी वजह शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, फिर ये सब क्या है? पति, वजह है पगली, वजह है। अब देखो दिवाली आ रही है, बच्चों को रॉकेट चलाने के लिए खाली बोतल चाहिए कि नहीं? जो कोई भी सज्जन अपनी पत्नी को दीपावली की गिफ्ट दे रहा है, पकवान बनाने में मदद कर रहा हो या घर की साफ सफाई में सहयोग कर रहा है, उनसे निवेदन है कि उसकी फोटो या FB या WhatsApp पर डाल के दूसरों के जीवन में जहर ना घोलें। धन्यवाद। मैं क्या कहता हूँ, मोदी जी मौका अच्छा है, दाग दो 2-3 मिसाइल लाहौर पे, बाद में बोल देंगे दिवाली की साफ सफाई में गलती से बटन दब गया। गुस्ताखी माफ, पाकिस्तान साफ। गलत फहमी का आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक लगा दी है और वो पूछ रही है तो क्या अब मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी? तो इस पर कोर्ट ने सफाई दी कि रोक पटाखों पर है, फुलझड़ियों पर नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दिवाली तो हर साल आती है दोस्तों, ना जाने दिल वाली कब आएगी। बाबा रामदेव से निवेदन है, अब लोग तो नहीं सुधरने वाले, पटाखे तो फोड़ेंगे ही, इसलिए आप दिवाली के लिए पतंजलि पटाखों का निर्माण भी कर ही दो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक।